नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपासना सिंह। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है उपासना सिंह ऑफिशियल। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत घर दिखाने वाली हूँ। ये घर कम से कम नहीं तो 200 साल पुराना है और इसके साथ बहुत सारी इमोशंस जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो इसके मालिक हैं वो अपने गांव से इसको यहाँ लाए थे, क्योंकि उनकी दादी इसमें रहती थी। और जब उन्होंने अपनी दादी को कहा कि चलो शहर चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर को छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने पूरा जो मटेरियल था, उसके जो दरवाजे थे, उनका जितना भी सामान था, झूला था या कुछ, वो सब वो यहाँ पे लेके आए और उन्होंने दोबारा इसको कंस्ट्रक्ट किया और पूरी चीज़ें वही लगाई और अपनी दादी को लेके आए। तो आज मैं आपको उनसे मिलवाने जा रही हूँ। ये है वो शख्स और ये है उनकी बीवी और ये है उनके बेटे, जिन्होंने ये घर बनाया है अपनी दादी के लिए। तो आप बताइए इसके बारे में। देखिए, मैं क्या बताऊँ, ये हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है इसमें। हाँ। मैं, मेरे पिताजी के पिताजी सब इस घर में रहते थे। तो आप दिखाएंगे घर? हाँ, प्लीज आइए। आप कुछ बोल रहे थे ना कि ये जो है इसका क्या? हाँ, ये जो तो ये पूरा कॉपर का बना हुआ है। हाँ। बराबर। तो ये इसमें ए फॉर अमीराम, एम फॉर मफतलाल, जे फॉर जानी। अच्छा, मेरे, हाँ, मेरे, ये उनका नाम था। हाँ, वो हमारे पूर्वज थे, वो इधर स्टेट में बैरिस्टर थे। हाँ, हाँ। तो इधर के जो सयाजीराव गायकवाड़ थे। हाँ। उन्होंने उनको 5 गांव दोस्ती में दिए थे। उसमें वाटर पार्क के बाजू में जो अमीपुरा है। हाँ, हाँ, वो हाँ। मेरे दादा के नाम से पड़ा है, उसका गांव का नाम अमीपुरा है। अच्छा। हाँ, जो वाटर पार्क बना है वो वहाँ। हाँ। हमारी टोटल 2000 एकड़ जगह थी। 2000 एकड़? बाप रे बाप। हाँ। तो दिखाएंगे घर। हाँ। और ये उन सबकी तस्वीरें हैं, ये हमारे पूर्वज है ना, उन सबकी, ये और ये सब। अरे वाह, ये सामने भी, वो सामने। अच्छा, उधर लेडीज की है, इधर जेंट्स की है। आई, ये तो दरवाजा ही बहुत अमेजिंग है आपका। तो ये दरवाजा, अरे वाह, ये झूला आपकी दादी का होगा ना? वाह, ऐसा झूला तो आजकल देखने को ही नहीं मिलता। प्लीज बैठिए। और ये देखिए, इसमें कितने सारे बर्तन हैं। ये जो बर्तन है ये भी पुराने जमाने के होंगे, सारे पुराने। दिखाओ जरा ये बर्तन, दिखाओ। ऐसे वाले बर्तन पहले हुआ करते थे। वाह, उसको प्यार करो पूरा ना। सारे बर्तन दिखाओ, सब पैसे का वैसा, कुछ भी निकाला नहीं। हाँ, सब वही दादी को वही पसंद था, जो भी दादी को पसंद था वो सब वो क्या बोलते हैं, हमारे हम ब्राह्मण है। हाँ। जैसे ये है ना। हाँ, हाँ। ये भी ब्राह्मण है। बराबर। तो मैं खुद ब्राह्मण हूँ। क्या बात, मेरी शादी भारद्वाज से हुई है। क्या बात है, उपासना सिंह भारद्वाज। हमारा पुत्र भारद्वाज है। अरे वाह, मेरे हस्बैंड भारद्वाज। ये टंक मेरी सास को उनकी मम्मी ने दिया। अच्छा, वो वाला। ये देखो, ये है ना। हाँ, इसमें इधर ये दिखाइए आप, ये वाली जो है, ये टंक है। पहले इतने बड़े बड़े। अच्छा। हाँ, ये तिजोरी है। ये, अभी क्या है इसमें, खोल खोल के ले जाए हम लोग। वो मेरी दादी का शादी हुआ था ना, तब। हाँ। वो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं रामनदीव। रामनदीव, ये तब क्या है। अच्छा, बहुत खूबसूरत। और ये गागर जो है। हाँ, ये इसमें ये होल है, इसके अंदर क्या दिए जलाते थे? हाँ, दिए जलाते हैं ऊपर है, दिवाली में मतलब। हाँ, ये हाँ, जो है अपने छत पे। अच्छा अच्छा, ओके। वाह। और ये क्या चीज है, ये जो, ये सब दस्तावेज है वो जमाने के। गायकवाड़ सरकार ने दी थी, तो वो उसका सब दस्तावेज है। अरे, थोड़ा सैंपल करके इधर लगाया हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। और अपनी दादी जी का मंदिर। हाँ, 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 हाँ। और वो दादी की फोटो। तो पहले जमाने में ये कितने साल पुराना होगा तकरीबन? 250 साल। ये जो दस्तावेज है ये 250 साल पुराने हैं। मतलब ऐसे दस्तावेज शायद अभी आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। तो इसको पैन करके दिखाओ।
और ये जो है ये वो मंदिर है एक छोटा सा दादी जी का। ये दरवाजे देखिए जो पुराने जमाने में हुआ करते थे दरवाजे, और इतने हैवी दरवाजे होते थे, आजकल कहाँ बनते हैं ऐसे दरवाजे ना। हाँ, और ये दादी जी, हाँ दादी जी की फोटो। तो ये दादी जी जो है ये आना नहीं चाहती थी, तो इनका इतना प्यार था उनसे कि इनकी हर एक चीज लाके उन्होंने वैसे के वैसे यहाँ पे बना दिया, और बहुत प्यार। मकान में नहीं आए रहने? नहीं आए, नहीं यही पे रहे। पहले ये मकान बनाया। अच्छा, इनका जो अपना घर है वो भी बहुत खूबसूरत है, जिसको कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ वो बोलते हैं कि वो वहाँ रहने नहीं आए, यहाँ पे रहती थी इनकी दादी जी। तो आइए इनका घर भी दिखाता है। इधर ही रहे और इनका देहांत भी इधर ही हुआ। ओ अच्छा अच्छा, तो ये देखिए ये घर है, और असल में इनका ये घर है जो कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ घर। और आजकल के ज़माने में ऐसे इतनी अच्छी जो है कारीगरी भी नहीं होती, पहले महलों में हुआ करती थी, लेकिन दादी ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने ही घर में रहूँगी, इसलिए ये घर ये लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया और वैसे का वैसा बनाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उपासना सिंह। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है उपासना सिंह ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।